इफिसियों अध्याय 6 उसका 10वां वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दूसरा तिमोथियस अध्याय 1 उसका 7वां वचन। क्योंकि प्रभु ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फिलिपियों अध्याय 4 उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 20वां वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। इफिसियों अध्याय 3 उसका 20वां वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। यशाया अध्याय 40 उसका 29वां वचन। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 14वां वचन। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। कुलुसियों अध्याय 1 उसका 11वां वचन। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। इफिसियों अध्याय 3 उसका 16वां वचन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। रोमियों अध्याय 15 उसका 13वां वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। भजन संहिता अध्याय 18 उसका 32वां वचन। यह वही परमेश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। भजन संहिता अध्याय 84 उसका 5वां वचन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 4वां वचन। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 4वां वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं
पर गड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 9वां और 10वां वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ।